वो उधर पहाड़ लग रहा है ना, आप लोगों की दवाएं कबूल होती नजर आ रही है। ये जी हमने जी मिनरल वाटर की पानी की बोतल भी ले ली है। ये क्या? चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खड़ी घोड़े बेच के सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा दिन मेरा स्टार्ट हो गया यूनिवर्सिटी में और 2 बज गए और हम ना अभी उठे हैं। क्लास हमारी जो जिस चीज़ के लिए आए थे ना, वो माशाल्लाह से कैंसिल हो गई है। वो आज कोई धरना चल रहा है वो TLP वालों का आई थिंक, तो जिसकी वजह से रोड वगैरह भी बंद है और यूनिवर्सिटी की क्लास भी कैंसिल होगी। और रूममेट्स की आप बात कर रहे थे कि आपने पूछ के जाना था, बता रहे उनसे पूछना था कि वो आए या नहीं। एक ये चोरी साहब आ गए, आकिफ और जीशान जो है वो नहीं आए। उनकी तरफ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है इसी सिलसिले में वो लॉकडाउन की वजह से, तो वो तो अभी नहीं पहुँच पाए। मे भी कल सुबह आ जाए या शाम को आ जाए, लेकिन आकिफ आ चुका है। और अभी हमने जो क्या कहते हैं अपने बूथे शूथे रेडी करने हैं और फिर जाना है जी हमने खाना नाश्ता करने है। नाश्ते के टाइम में 2 बजे हमारा ये हालात चल रहे हैं। और कमरा जो है मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर लिया था, इन्होंने तो कोई नहीं हेल्प की मेरी, तो मैंने कमरा रेडी कर दिया है। कोई ना की आंखें दिखा के जा रहा मुझे तो कमरा रेडी हो गया। अब दिल भी थोड़ा बहुत लगा लिया है मैंने कि किसी तरह गुजारा करना है, लेकिन जो मुझे लग रहा है ना, आप लोगों की दुआएं कबूल होती नजर आ रही है कि मैं 2-3 दिन में फिर घर आऊँ। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वो कहते हैं नाड़ा के अच्छे के लिए होगा। तो अभी मुँह धो के नाश्ते के लिए चलते हैं, देखते हैं कि नाश्ते में आज क्या प्लान बनता है खाने का, और आपको भी बताएंगे। पहले मुँह धो के मैं रेडी हो जाता हूँ। अच्छा ये आकिफ अभी पहुँचा है, बस ये सारा भी उसने सामान वगैरह खोला है सेट करना है, तो मैं अभी मुँह धो लेता हूँ। ये जी आज है ड्रेस में आया बड़ा, वाह जी वाह, ये यूज़ करेंगे। मैं फेस वाश से मुँह धो लूँ। ये कोई सिचुएशन है यूनिवर्सिटी की, बस वो ना कोई कोई लड़का नज़र आता है, अदरवाइज सारा कुछ वो कहते हैं सनसान सनसान सुनसान पड़ा हुआ है। और ये जी लंबी सारी लाइन है जिधर वाशरूम्स की, रात के टाइम इधर आ जाओ ना बंदे को अजीब अजीब ड्रोनी आवाज़ें आने लग जाती हैं, इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वहाँ पर, तो रात को ना मैं इधर कम ही आता हूँ। तो मुँह हाथ वगैरह धो के हम रेडी हो गए, और अभी आकिफ से, आकिफ तो अभी पहुंचा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने पूछा कि घर से खाना खा के नहीं आए थे, इधर जो खाने जा रहे हैं फ़ौरन ही। मैंने तो चलो कल, आपको पता है कल सुबह का निकला हूँ, रात को मैंने क्या खाया था, कीमा खाया था और दाल थी और साथ में कोरमा था। हम सारे दोस्त इकट्ठे गए थे, जितना के यहाँ पे क्या कह सकते हैं गुजारा किया जा सकता है वो हमने किया। अब हम इकट्ठे रह रहे हैं, इतने ज़्यादा एसओपीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये तो वो कहता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में नामुमकिन आलमोस्ट हो जाता है कि मास्क पहन के रहें, एक दूसरे का पानी यूज़ ना करें, ये हो ही नहीं सकता। आप में से भी जो हॉस्टल्स में रहते होंगे उनको पता होगा। तो घर से क्या खा के आए थे? पहले गोश्त। तो अभी क्या प्रोग्राम है फिर? देखते हैं जाके होटल पे, देखते हैं। आज हम आपको होटल पे दिखाएंगे, हमारे देसी होटल हैं, बिल्कुल ना घर वाले खाने मिलते हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। वो माँ के हाथ वाली तो बात नहीं होती, लेकिन ना फिर भी देसी टाइप के होते हैं, मजा आता है। तो चलते हैं आपको भी दिखाएंगे और खाना खाने चलते हैं। और आज तो माशाल्लाह क्लास से फ्री थे, कल देखो क्या सीन बनता है। जिस तरह के हालात है मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास होगी। अभी भी एक CR का कोई मैसेज आया, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। चले चले फिर चले चले। ये जी हमारा वो बैडमिंटन के लिए बना हुआ है, और शाम के टाइम खेलते हैं। और हमारी बाइक ना वो हमें मिल नहीं रही, तो लड़का कोई लेके गया था, वो कहता है मेरे पास नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास नहीं है, इससे भी पूछते हैं ना मेरे पास नहीं है। इधर देख कहीं खड़ी है, यहाँ पे देखो जी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, खड़ी है कि नहीं खड़ी है, खड़ी है कि नहीं खड़ी है, नहीं खड़ी है, नहीं है इधर। और कल है जी माह रमज़ान का 1st रोज़ा, और पहला रोज़ा तो इधर ही रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, आगे देखें कब होता है। शैतान को फिर कब्जे में कर दिया जाएगा। बाइक ये खड़ी है रावी, ये शुक्र है मिल गई। बाइक हमारी खड़ी है और चाबी हमारे पास नहीं है जी। अब वो क्या कहते हैं रेफरेंस लगाए जा रहे हैं कि चाबी किसके पास है। आकिफ कॉल कर रहा है, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलना तो आता ही है हमें। तो बाइक की चाबी वाले भाई आ गए हैं, मतलब जिसके पास हमारी बाइक की चाबी है, बाइक पर चाबी बनाने वाला नहीं। और वो आकिफ उधर गया खड़ा है, बस वो ऊपर छत से फेंकेगा चाबी, उन पर चलते हैं।
अभी मैं इधर बैठा हुआ था, ये हमारे बैक साइड पे फिल्टर है पानी वाला, पानी की बोतल भरी है, और इतना गर्म पानी था ना, ना पीने के काबिल था समझ लो। अभी बाहर से ही जाके कोई पानी वगैरह भी लेते हैं और उधर से ही पियेंगे। प्यास भी बड़ी लगी हुई है सुबह सुबह के टाइम, सुबह सुबह का टाइम नहीं, वैसे मैं उठा लेट हूँ तो फील हो रहा है। तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं जी खाना खाने। वो कहते हैं ना जब किस्मत बंदे की ख़राब हो ना तो बंदा कुछ कर नहीं सकता। बाइक मिली है, बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो वहाँ पे जितनी भी बाइक्स थी ना वहाँ से अक्सर लड़के ना यानी एक दूसरे का पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं फिर डाल देते हैं। तो सारी बाइक चेक की, किसी में पेट्रोल भी नहीं था। तो अभी पैदल ही जा रहे हैं, साथ में ही हैं, हमने कहा चलो पैदल ही खाते हैं ना, तो भूख से ना मर जाए इस गाड़ी की बाइक के चक्कर में। सादा पराठे, आलू वाले पराठे। और ये क्या था? ये क्या? चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, पता नहीं कैसा होता है, टेस्ट अच्छा था। मिक्स है, टिक्का चिकन सारा कुछ मसाले मसाले ना। अभी आलू वाले पराठे आने रहते हैं, ऑमलेट वगैरह भी मंगवाया था, तो नाश्ता कर लें। मैंने ना कल वो क्या कहते हैं सुबह निकला था घर से, रात को नाश्ता किया था, खाना खाया था रात को, सारा दिन भूखा, सिर्फ एक ना मिंट मार्गरेटा पी थी, वो भी स्प्राइट की, यह पानी भरा हुआ उसमें, और अभी खा रहा हूँ तो शदीद किस्म वाली भूख लगी हुई है। तो खाना खाना भी कह सकते हैं, नाश्ता भी कह सकते हैं, कर लें और फिर मिलते हैं। ये आलू वाले पराठे भी आ गए हैं और बड़े ना क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। कल पहला रोज़ा है और आज आखिरी दिन है जितना पेट भर के दिन में खा सकते हैं खा लें, क्योंकि कल से फिर माशाल्लाह से रोज़े भी रखने हैं और शैतान को भी बंद कर दिया जाएगा, तो ख्याल रखना पड़ेगा। चाय हमारी आ चुकी है और ये मेरी चाय है, और आकिफ की अभी लस्सी है वो नहीं आई, वो आ जाती है तो पी के फिर निकलते हैं वापस यूनिवर्सिटी। चल दे पैसे। करम भाई पैसे ले ले। चलो मैं वैसे कह रहा हूँ ना, पैसे तो देने हैं ना। तो नाश्ता भी कह सकते हैं, खाना भी कह सकते हैं, हमने कर लिया और अभी हम जा रहे हैं रूम में। और आपने सफाई माशाल्लाह से बहुत देखी होगी, तो ये है यूनिवर्सिटी के होटल्स में ऐसे ही होता है, इसमें आपने वो इग्नोर मारना है, क्यों कहते हैं जहाँ पे सफाई नहीं होती ना टेस्ट वहीं पे होता है। तो बस अल्लाह करेगा जी चंगियाँ मुकवाइंजन गियाँ जी तंगियाँ। तो चलते हैं जी कमरे में और रेस्ट मारते हैं आज, क्योंकि काम नहीं है, कल की कल देखी जाएगी। वो सामने देख रहे हैं वो उधर पहाड़, पहाड़ी है ना, हाँ बस ये चीज़ दिल लगा देती है यहाँ पे, अदरवाइज हाँ ये चीज़। और एक चीज़ मौसम यहाँ का, आजकल तो वैसे गर्म है लेकिन जब बारिश होती है ना तो क्या कहते हैं रोमांटिक मौसम बन जाता है। बाकी कोई नहीं है भाई, बाकी आपको भी पता ही है फिर है। ये जी हमने जी मिनरल वाटर की पानी की बोतल भी ले ली है, आके कहते कि पैसे खत्म हो गए, मैं क्या टेंशन क्यों ले रहा है, उधार देने वाले बहुत हैं। वैसे मजाक कर रहा था, अभी मेरे पास पैसे हैं, चलेंगे तब तक तीसरा रूममेट भी आ जाएगा, फिर उसके चलेंगे, फिर नया महीना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से पैसे आने लग जाएंगे। फाइनली जी आई एम बैक इन द रूम और नाश्ता कर लिया। तो आपने देखा कि नाश्ते के लिए कितनी ख्वारी काटनी पड़ती है, तो आगे आगे क्या होने वाला है वो तो आप देखते रहिएगा। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है और आपके साथ मैं आई होप सो के अफ्तारी की रूटीन अपना सारा दिन शेयर करूँगा, किस तरह से रोज़े में यहाँ पे दिन गुजरता है, आई होप सो, नहीं तो काफ़ी रोज़े हैं, किसी एक दिन ज़रूर शेयर करूँगा, अफ्तारी भी शेयर करूँगा, सहरी भी शेयर करूँगा। तो अभी एक और आपको मुबारकबाद दे दूँ कि मुझे ATM मिल गया था, बस अब उसको एक्टिव करना है, तो दोस्त कह रहा है शाम के टाइम एक्टिव करेंगे, उसने थोड़ा सा वो यूनिवर्सिटी का कोई काम है वो करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने हैं, तो शाम को वो भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपके भाई का ATM एक्टिव हो गया। बहुत बहुत क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं ख्वारियाँ काटी हैं मैंने इस HBL के अकाउंट की ओपनिंग के लिए, इसको सही तरह से रनिंग करने के लिए, तो आपने भी वीडियोस देखते रहे, काफ़ी चक्कर लगाए थे, फाइनली आज ATM मिल गया है। आज नहीं मतलब मैं लेके आया था, अभी एक्टिव करना रहता है। तो शाम के 6 बज चुके हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और दोस्त जो है आकिफ है वो सोया हुआ है, वो वैसे खराटे भर रहे ना, फुल नींद में है। असल में सुबह सुबह पहुंचा था, सारी रात सफ़र किया था, तो बेचारा थका हुआ था सो गया, और मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा ही प्यारा मौसम बना है, लड़के खेल भी रहे हैं क्रिकेट वगैरह, वो सामने क्रिकेट वगैरह कुछ खेल रहे हैं, कुछ उधर वो बैठे हुए हैं, और ये सनसेट का सीन है बड़ा ही प्यारा। और इधर ये जी
घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो अभी मैं उसको जगाता हूँ कि फ्रेश वगैरह हो जाए, और उसके बाद मैंने एटीएम एक्टिव करना है उसको, उधर एचपीएल के वही साथ ही बैंक है यूनिवर्सिटी में, तो एटीएम को एक्टिव करते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं, और फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, रात का टाइम हो जाएगा, 8 बज जाएंगे ऑलमोस्ट, तब तक हमें जाते जाते ही, तो फिर जाके के खाने वगैरह का कोई इंतज़ाम करेंगे। और आपको रमज़ान मुबारक, क्योंकि कल रोज़ा है, एडवांस में भी समझ सकते हैं और एट अ टाइम ही समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी रोज़ों में, और रोज़ों की रूटीन भी इंशाल्लाह आई होप सो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लें, और अपनी सपोर्ट, मोहब्बत, प्यार बनाए रखिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आप सबको वंस अगेन रमज़ान मुबारक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।